हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन सेगमेंट को किस तरह से कॉपी करना है वो चीज हम देखेंगे, और इसको डिवाइडर और कंपास के स्केल से ही करेंगे। तो दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज में, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट PQ, एक PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, फिर बिना उसको मेजर किए, उस PQ को बिना मेजर किए आपको उसकी कॉपी बनानी है, मींस उसका एक और लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन उसको मेजर नहीं करना, बिना उसको मेजर किए सेम टू सेम लाइन बनानी है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो एक्सरसाइज 14.3 में आप पहले लिखोगे कॉपी ऑफ अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये हेडिंग इसलिए डलवा रही हूं ताकि आपको याद रहे इस एक्सरसाइज में हमने ये काम किया था, ठीक। अच्छा, इसके अंदर अब जो है पहला स्टेप ये है, ड्रॉ PQ। आप PQ एक लाइन बना लो अननोन लेंथ का, मतलब किसी भी कितना भी मेजरमेंट का आप लाइन बना लो। तो मैं यहां पर एक PQ लाइन बना लेती हूं, P और Q, ठीक। अब एक L लाइन ड्रॉ करो, L लाइन का मतलब होता है कितनी भी लेंथ की आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो यहां पर मैंने एक L लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक, ये हो गई L लाइन। अब इस L लाइन पर आपको क्या करना है, आपको जो है PQ की लाइन जितना आपको कंपास ओपन करनी है। तो आप देखो, यहां पर रखूंगी निडल और यहां पर रखी पेंसिल और ये मेरी ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहां पर कोई एक पॉइंट मुझे बनाना है, ए, कोई भी नाम दे दो ए। यहां पर रख के अब मैं ये वाला आर्क जो है PQ का वो यहां पर रख के ड्रॉ कर दूंगी, ठीक, और ये हो गई मेरी बी। अब हमारे पास क्वेश्चन में था ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो PQ, हमने वो ड्रॉ कर ली, बिना PQ के मेजर किए PQ की एक कॉपी बनाओ, ठीक है। तो ये PQ को मैंने मेजर नहीं करा, मैंने स्केल से मेजर तो नहीं करा ना, हमने यहां पर देखा नहीं 8 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, इसको बिना मेजर किए मैंने इसकी कंपास से यहां पर कॉपी बना दी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। इसके बाद जो है आंसर 1 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो आप फटाफट से कंस्ट्रक्शंस नोट कर लो। इसके बाद हम 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक। यहां पर आपका आंसर 1 का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, और डायग्राम जो ड्रॉ करना था, लाइन सेगमेंट कॉपी करना था, वो हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन सम लाइन सेगमेंट AB, कोई भी लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें AB, उसकी भी कोई लेंथ नहीं है, जिसकी लेंथ आपको पता नहीं है। देखो लिखा हुआ है हुज लेंथ यू डू नॉट नो, जिसकी आपको लेंथ नहीं पता। कंस्ट्रक्ट PQ such that the length of PQ is twice that of AB. तो हमें AB लाइन की twice बनानी है PQ, ठीक। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, PQ जो बनेगी twice of AB बनेगी, ठीक। तो इसका पार्ट क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व करने के लिए, अब हम यहां पर जो है पहले हम बनाएंगे ड्रॉ AB ऑफ एनी लेंथ। तो स्केल और पेंसिल से आप कोई भी लेंथ ड्रॉ कर लो, एनी लेंथ ड्रॉ कर लेती हूं मैं। तो मैंने एक ये लेंथ ड्रॉ कर ली, ठीक, और इसको नाम दे दो A और B, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको A और B जितनी आपको एक कंपास को ओपन करना है। ये ओपन हो गई मेरी कंपास, देखो, ठीक है। अब इसको रखो साइड में,
एक लाइन L ड्रॉ करो, एक लाइन मैंने L ड्रॉ कर ली, ठीक। अब इस लाइन को जब आपने ड्रॉ कर लिया तो अब आप यहां पर जो है, यहां आप लिखो L, ठीक है। अब आप ये A और B की आपने कंपास ओपन करी थी, यहां पर देखो ये A और B की आपने कंपास ओपन करी, ठीक। अब इस A और B का आपको आर्क लगाना है, लेकिन जो PQ आपकी लाइन बनेगी ना वो AB की, मतलब PQ जो है ट्वाइस बनेगी AB का, तो ये एक हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो क्योंकि ये डबल बनेगी। अब मैं यहां से इस P को लिखती हूं पॉइंट, और यहां पर जो है मैं एक आर्क लगाऊंगी, ठीक है। और यहां से मैं कंपास बंद नहीं करनी और बी आर्क लगाऊंगी, तो ये मेरा बन जाएगा पी क्यू ट्वाइस, मतलब ए बी की दो गुना मुझे लाइन बनानी थी पी क्यू। अब ए बी जो है वो इतना है और उसको दो गुना करना होगा, तो एक बार और इसको कर देंगे। यहां पर जो है आंसर टू का जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया। इसके बाद जो है आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स जो है, स्टेप्स जो है कंस्ट्रक्शन के, वो पॉइंट्स लिख लीजिए, और इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज 14.3 डन हो जाएगी। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं आपको कोई डाउट रह जाए देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे।